हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हेयर ट्यूटोरियल में। आज इस वीडियो में मैं आप सबको राजपूती ओढ़ने पे गोटा कैसे लगाया जाता है वो सिखाने वाली हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको मेरे आने वाले हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। सबसे पहले जो सिलाई का नंबर है वो 5 नंबर पर करते। 5 नंबर पर गोटा लगाने से जो आपका गोटा है वो ज़्यादा टाइट नहीं होगा, खिंचा खिंचा सा नहीं लगेगा। गोटे को ओढ़ने के पीछे की तरफ इस तरह से रखते हुए उसे हाफ में मोड़ देना है। इस तरह से आधे से इसे मोड़ देने से दोनों तरफ बराबर लगता है। क्योंकि इस तरफ ओढ़ने का बॉर्डर वाला हिस्सा है तो इसे हम सिर्फ एक बार ही मोड़ेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। इस तरह से एक बार मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाना शुरू करें। ओढ़नी में जो ये पल्ले वाला हिस्सा रहता है इसकी तरफ धागे निकले हुए रहते हैं, इसलिए हम इस तरह से इसे दो बार मोड़ेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम ये गोटा लगाएंगे। पूरा गोटा लगने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। सिलाई नंबर ज़्यादा रखने से इसमें ज़्यादा खिंचाव नहीं आया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लाइक बटन दबाना ना भूलें।